सर्कस जे भी एक रीमेक कंटेंट है भाई, दृश्यम 2 वो भी एक रीमेक कंटेंट है भाई। इसकी बात करेंगे इसके क्या कारण है कि सर्कस आप सभी को पता है वो किस तरह डिजास्टर हो गए भाई। दूसरे अब दृश्यम 2 अपने 7th वीक में अभी तक थिएटर में टिकी है, इसकी बात करेंगे भाई। क्वेश्चन की बात भी करेंगे, आज डे 9 चल रहा है सर्कस का, उसने एडवांस बुकिंग कितनी की है भाई, वो आज कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डिजिटल सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सर्कस की, तो ये गाइस आप सभी को पता है कि रीमेक कंटेंट है, वो भी 1982 की, शायद क्या बोलते हैं उसको, अंगूर जी, उसका रीमेक कंटेंट, वो जो 92 की मूवी है हिंदी की, उस वो भी एक रीमेक कंटेंट था, मे बी 1967 शायद, मेरे को क्लियर याद नहीं है, 1967 का वो भी एक रीमेक कंटेंट था। व्हाट सर्कस आप सभी को पता है, मतलब इस जे मूवी 2009 को मतलब रोहित शेट्टी के माइंड में आई थी, उन्होंने बताया था, यानी अगर 2009 में वो शूटिंग स्टार्ट कर देते तो ये मूवी 2 मतलब 2010 में हम सभी को थिएटर में मिल जाती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये मूवी हमें सभी को 2022 एंडिंग यानी 2023 के लगभग आ रही है ये मूवी। तो आप लगा सकते हो कि ये मूवी 2010 में आनी थी, यानी जो हमें 2010 में दिखाने की कोशिश करनी मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे थे रोहित शेट्टी, वो हमें 2022 में दिखा रहे हैं, वो भी एंडिंग में। तो लगा सकते हो कि मतलब अभी का और 2010 का मतलब कितना फ़र्क है, आप लगा सकते हो अब मतलब कितना डिजिटल हो गया, 2010 का तब इंडिया में कितना डिजिटल था, यानी आज का मतलब जमाना लगा सकते हो और पुराना जमाना कितना फ़र्क है भाई। मैं दूसरे दृश्यम 2 पे नज़र डालूँ ना, वो भी 2015 जब मूवी आई थी, तो मतलब लगा सकते हो कुछ लोगों को पता होगा कि वो एक रीमेक कंटेंट है, अदरवाइज मतलब किसी को नहीं पता था कि वो एक रीमेक कंटेंट था। अदरवाइज जो उसका मतलब ओरिजिनल मूवी थी ना मलयालम की, मतलब वो भी मतलब हिंदी उसका दब नहीं था, तो एक तो बात वो हो गई। आगे लोग जानना चाहते थे कि उस मूवी में आगे क्या हुआ, आखिरकार 2 और 3 तारीख को क्या हो गया, वो लोगों के माइंड या पब्लिक के माइंड में था। तो दृश्यम 2 जब आई 2022 में आई, तो लोगों को तब पता चल गया ये एक रीमेक कंटेंट है, व्हाट लोगों के माइंड में था कि आखिरकार आगे क्या हुआ। तो इसका कारण था दृश्यम 2, जिसने उसने 2022 में एंडिंग में जाते जाते 2022 में अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया। वही बात करूँ मैं दूसरी तरफ सर्कस की, तो आप सभी को पता है कि सर्कस यार एक तो मतलब कॉमेडी मूवी थी, ऑफकोर्स चलना चाहिए था भाई। इसकी बजट की बात करूँ यार 100 से लेकर 150 करोड़ के बीच में इसका इंटरनेट में बजट बताया जा रहा है। यार अगर मैं बात करूँ इस मूवी की, जो इस मूवी को मैंने देखा, तो मेरे को कहीं भी नज़र नहीं आया कि इसमें 100 या 150 करोड़ के बीच में कहीं मूवी में पैसा लगा हो या कुछ भी हो, बट मेरे को कुछ भी नहीं लगा। बात करूँ मैं रोहित शेट्टी की, तो उन्होंने मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, मतलब एक शोज था उनका पीछे, मेरे को याद नहीं है, उन्होंने ऐसा उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि मतलब उनकी मूवी जो चलेगी, बट उन्होंने बताया कि 2022 में इतना ख़राब साल भी नहीं रहा उनके लिए देखा जाए तो। उन्होंने मूवीज गिनकर बताया आज तक शो में, मे भी उन्होंने पूछा था किसी ने सवाल उनसे, तो उन्होंने बताया था कि मतलब शोज गिन के कि मतलब उनकी मतलब अदरवाइज साउथ इंडस्ट्री की कितनी मूवी चली है भाई, बॉलीवुड की कितनी चली है। वो बोलते हैं यार एक साल मतलब पूरा हो गया तो क्या हो गया। तो देखा जाए सर्कस की, यार मेरी उम्मीद तो नहीं थी इस तरह की, बट हो गया सो जो हो गया। बात करूँ मैं 1982 की, जो उसकी मतलब रीमेक कॉन्टेंट था, बट मतलब जो 1982 में जो पब्लिक ने देखी थी वो मूवी, ऑफकोर्स वो अभी 2023 में तो नहीं देख रहे होंगे, बट आप सभी को पता है कि मतलब इस तरह का मूवी नहीं चलती है भैया, जो मैं रीमेक से रीमेक कॉन्टेंट भैया नहीं चलते हैं। तो अगर मैं इसकी मतलब क्वेश्चन की बात करूँ, तो आज लगभग 34 लाख एडवांस बुकिंग की है सैटरडे के लिए, तो आज लगभग हमें सर्कस 1.5 करोड़ के आसपास क्वेश्चन करती हुई नजर आ सकती है भाई। दृश्यम 2 की बात करूँ, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, ऑफकोर्स आज वो भी 1 करोड़ से ऊपर क्वेश्चन करती हुई नजर आ सकती है हमें भाई। सर्कस का लगभग 32 मतलब लगभग 31 करोड़ क्वेश्चन हो चुका है उसका इंडिया टैक्स में भाई, पूरे वर्ल्ड वाइड में वो मूवी 45 करोड़ के आसपास क्वेश्चन कर चुकी है। तो भैया अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, आप लगा सकते हो कि मतलब सर्कस के अभी केवल और केवल 1400 से लेकर 1500 के आसपास शोज हैं। अगर आप 2 दिन पहले जाओगे, इसके पास 2800 से ज़्यादा शोज थे, 1200 शोज इसके ड्रॉप हो गए भाई। एनसीआर में इसके पास फ्राइडे को उसके बाद 275 शोज थे भाई, थर्सडे को दृश्यम 2 के पास एनसीआर में 258 शोज थे। अब आप क्या कहोगे, एक के पास मतलब फर्स्ट वीक लगभग कंप्लीट हो रहा है, वो दूसरी अपना 7th वीक में एंट्री ले रही है, और भाई एनसीआर में दोनों के शोज देखोगे तो लगभग सेम आ रहे हैं। तो गाइस आप क्या बोलोगे इसके लिए, मतलब दोनों रीमेक कंटेंट है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। रोहित शेट्टी डिजास्टर, रणवीर सिंह लास्ट 83 मूवी, वो भी आप सभी को पता है कि किस तरह चली थी। तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं, इसके टाइम में कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, ना ही दृश्यम 2 को और ना ही सर्कस को। बट दृश्यम 2 जो आज देव है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी, एंड और 2022 में अगर किसी को याद रहेगी मूवी, वो हिंदी इंडस्ट्री की दी कश्मीर फाइल्स भी थी, बट अभी 2022 आपको पता है 31 दिसंबर खत्म हो रहा है, तो मेरे को जो खोपड़ी में बैठी रहेगी ऑल टाइम मतलब
काफ़ी दिनों तक वो रहेगी दृश्यम 2 एंड अजय देवगन। तो फिलहाल मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, बाकी जिन आप सभी को कुछ भी लगता है कि मतलब सर्कस का जो मतलब अभी थिएटर पिटने का कोई कारण है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक्चुअली मतलब बोल भी सकते हैं, एक्चुअली कुछ मतलब जो भी माइंड में वो लिख सकते हैं। बाकी जिन तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डिट से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।